Hey yo, what's up guys, welcome back to another video। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को Minecraft गेम के 10 ऐसे alternative गेम के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते हैं। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि मुझे ये वीडियो और भी पहले बनाना चाहिए था। वेल तो जैसे कि तुम सभी को पता है Minecraft एक पेड गेम है, PC पे भी, कॉन्सोल पे भी, इवन Android, iOS पे भी ये गेम पेड है। इस गेम को प्ले करने के लिए आपको कुछ 650 रुपये देना पड़ेगा तब जाके आप इस गेम को प्ले कर सकते हो। एंड यहीं पे आते हैं मेरे जैसे यूजर्स, यानी कि जिनको भाई फ्री में मज़ा लूटना है। तो अगर वैसे तो आप Minecraft को भी फ्री में खेल सकते हो, Minecraft ट्रायल आता है, लेकिन क्योंकि वो ट्रायल वर्जन है तो ऑब्वियसली उसके अंदर तुम्हें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलेगा। एंड उससे अच्छा तुम लोग ये वीडियो को पूरा अंत तक देखो, क्योंकि जितनी भी मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ना, सभी एक से बढ़कर एक है एंड सभी फ्री है। तुम्हें प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा तो तुम आराम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो कौन सा तुम्हें खेलना है वो देखने के लिए तो भाई वीडियो को तुम्हें देखना ही पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज़ अंत तक देखना। एंड अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लिस्ट में हमारा जो फर्स्ट गेम है गाइज वो है लॉकी क्राफ्ट। माइनक्राफ्ट का बेस्ट ऑल्टरनेटिव गेम है क्योंकि इस गेम के अंदर तुम्हें वो हर एक चीज़ देखने को मिलता है जो कि माइनक्राफ्ट गेम के अंदर होता है। ये गेम लो एंड डिवाइस पे भी बहुत अच्छे से चल जाता है। अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस में कुछ 2 GB रैम है तब भी आप इस गेम को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो, बिल्कुल भी लैग नहीं होता। इस गेम के अंदर तुम्हें माइनक्राफ्ट का हर एक ब्लॉक, हर एक आइटम, इवन हर एक बायोम भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग ही इस गेम को प्ले करते हैं, मतलब जिन लोगों को माइनक्राफ्ट को फ्री में खेलना है, क्योंकि ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अगर तुम्हें हर एक चीज़ मिल रहा है तो भाई सिर्फ नाम अलग है, बाकी सभी चीज़ें इस गेम के अंदर सेम है, तो डाउनलोड करके प्ले कर ही सकते हो। इस गेम का साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है एंड ये तुम्हें प्ले स्टोर पर भी आराम से मिल जाएगा। तो यस, इसको डाउनलोड करके ज़रूर से ट्राई करो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। लिस्ट में हमारा जो सेकंड गेम है गाइस वो है कवाई वर्ल्ड। सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस करा तो, बट ये जो गेम है ना ये भी लॉकी क्राफ्ट गेम के जैसा ही होने वाला है। बट इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें लॉकी क्राफ्ट या फिर माइनक्राफ्ट के अंदर देखने को नहीं मिलते, लाइक ये पिंक ब्लॉक्स, इवन पिंक कलर का पेड़ भी। अब माइनक्राफ्ट के अंदर तुम्हें पिंक ब्लॉक्स मिलते हैं, मतलब तुम डाई का यूज़ करके पिंक वॉल या फिर पिंक कंक्रीट वगैरह बना सकते हो, बट इसके अंदर तुम्हें ऑलरेडी मिलता है लाइक पिंक कलर का पेड़, पिंक कलर के स्टोन और भी चीज़ है। एंड यहाँ पे पिंक भी तुम्हें काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा, कुछ अलग मतलब टेक्स्चर तुम इसको बोल सकते हो। ये गेम भी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि लो एंड डिवाइस पे भी बहुत अच्छे से चल जाता है एंड प्ले स्टोर पे भी तुम्हें ये गेम आराम से मिल जाएगा। तो इसको भी जरूर से डाउनलोड करके प्ले करना अगर तुम एक ऑल्टरनेटिव गेम ढूंढ रहे हो तो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट गेम है गाइज वो है रियल एम क्राफ्ट। अब गाइज ये गेम भी ना माइनक्राफ्ट गेम के जैसा ही होने वाला है, बट इसके अंदर ना एक रियल टेक्सचर पैक का यूज़ करा गया है। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम्हें यहाँ पे हाथ का टेक्सचर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ तुम्हें इसके अंदर जितने भी सारे आइटम्स मिलते हैं ना उसके ऊपर भी एक डिफरेंट टेक्सचर अप्लाई है जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसी वजह से ना तुम ये गेम खेलने में थोड़ा सा बढ़िया फील ज़रूर आ सकता है कि हाँ तुम एक रियल वर्ल्ड के अंदर हो। एंड ये सेम टेक्सचर पैक हर एक एनिमल, हर एक चीज़ के ऊपर अप्लाई है, जिससे कि तुम्हें हर एक चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ दिखेगा। लाइक जो भी माइनक्राफ्ट के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, शीप, पिग, वो सभी सेम देखने में लगते हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होने वाला। इसके अंदर तुम्हें उन सभी के अंदर थोड़े से वेरिएशन देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पे तुम लोग जो देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सामने 3 काउ है, ये काउ 3 काउ ही डिफरेंट टेक्स्चर में है। एंड इसीलिए ये गेम थोड़ा सा लैग तुम्हें लग सकता है खेलते वक्त, क्योंकि टेक्सचर पैक थोड़ा सा हैवी होता है तो वो लो एंड डिवाइस पे ना उतने अच्छे से वर्क नहीं करता। तो अगर तुम्हारे पास लिटरली 2 GB रैम है तो उसमें ये गेम चल जाएगा, बट तुम्हें कभी कभार ना फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है जब भी तुम्हारा गेम चंक्स को रेंडर करेगा। बट स्टिल तुम लोग इसको डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। इस गेम का साइज़ भी बहुत कम है, कुछ 100-150 GB के आसपास इस गेम का साइज़ है एंड ये गेम भी काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया एंड अलग टेक्सचर पैक के साथ आता है। तो यस, इसलिए इसको भी डाउनलोड करके प्ले करो, तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके, तो लिस्ट पे हमारा जो नेक्स्ट गेम है गाइज वो गेम का नाम मुझे ठीक से याद नहीं, तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये जो गेम है ना ये भी माइनक्राफ्ट गेम के जैसे ही होने वाला है। ऑब्वियसली जितने भी गेम्स में तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा वो सभी माइनक्राफ्ट गेम के जैसे ही होंगे, लेकिन सब में जो डिफरेंट चीज़ होगा वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर ये जो गेम है, ये गेम बहुत सही चल रहा था, लिटरली 2 GB रैम पे ये गेम ना बिल्कुल तबाही थे, एकदम लैग नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्मूथली ये गेम वर्क कर रहा था। एंड इस गेम के अंदर भी तुम्हें हर एक चीज़ें देखने को मिलेगा माइनक्राफ्ट गेम में जैसा होता है। अब क्योंकि ये जो गेम थोड़ा सा लाइट वेट है तो
तुम्हारे पास अगर लो एंड डिवाइस है तो इसको तुम प्ले कर सकते हो। एंड इसके अंदर जितने सारे टेक्सचर है ना, मतलब जितने सारे आइटम्स के, वो सभी लो वर्जन के लगते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। जितने पुराने वर्जन है उनमें जो टेक्सचर पैक था या फिर उनमें जो आइकन बना होता था वो सभी तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आई थिंक ये गेम इतने अच्छे से वर्क कर रहा था। तो इसको भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ये गेम भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। एंड लिटरली ये गेम बहुत स्मूथली चल रहा था, इवन लॉकी क्राफ्ट से भी। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी बट स्टिल बहुत अच्छे से इसने परफॉर्म किया। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो शीप का जो टेक्स्चर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यस, जरूर से ट्राई करो। तो बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट गेम की तरफ। लिस्ट पे हमारा जो नेक्स्ट गेम है गाइस, उस गेम का मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा कि इसके अंदर तुम्हें एप्पल्स देखने को मिलेंगे। आई नो माइनक्राफ्ट के अंदर भी एप्पल्स होते हैं बट वो ना फिर लीव्स के अंदर दिखता ही नहीं। तुम अगर लीव्स तोड़ते हो तो रैंडमली तुम्हें मिल जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर तुम्हें एप्पल, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एप्पल तुम्हें मिलेगा। एंड तुम एप्पल, सिर्फ एप्पल को ही तोड़ सकते हो, जो कि बहुत सही है। एंड इसके अंदर तुम्हें टेक्सचर पैक भाई बहुत सही मिलता है। एंड ये गेम उतना ज़्यादा लैगी भी नहीं था। मैंने जो इससे पिछला वाला जो गेम मैंने तुम्हें बताया उसमें जितना लैग हो रहा था, इसमें उतना ज़्यादा लैग नहीं था। बट इसमें ब्लॉक्स टूटने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे थे तो वो थोड़ा सा बोर फील होता है। बट स्टिल टेक्सचर पैक इस गेम का काफ़ी बढ़िया है, मतलब हर एक चीज़ का एक बेटर टेक्सचर तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट को थोड़े से अच्छे ग्राफिक्स पे या फिर थोड़े अच्छे टेक्सचर पैक पे एंजॉय करना चाहते हो तो इस गेम को ट्राई करना। ये गेम भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाएगा। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं पेड़ के नीचे से गिर गया, मतलब पेड़ के नीचे से नहीं, पत्तों के बीच में से। मतलब थोड़ा सा तुम्हें इसके अंदर फिजिक्स का भी चीज़ें सही है, तो यस ट्राई कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट गेम है गाइस वो है वर्ल्ड क्राफ्ट। एंड ये जो गेम है ना गाइस, ये गेम भी माइनक्राफ्ट गेम की जैसा ही होने वाला है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें ना स्नीक करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आई नो दूसरे माइनक्राफ्ट गेम के अंदर भी होता होगा, मैंने शायद ठीक से नोटिस नहीं किया होगा, बट जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे स्नीक करने का एक अलग से ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन का कुछ ज़्यादा काम होता है कि नहीं वो तो तुम लोगों को ज़्यादा पता होगा, बट स्टिल तुम लोग चाहो तो इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। ये गेम मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड है लो एंड डिवाइसेस के लिए। एंड यस, इसके अंदर तुम्हें ना एक अलग अलग टेक्सचर चीज़ देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो शुगर कैन है उसका एक अलग टेक्सचर बना हुआ है ऐसे। एंड ऐसे ही सेम तरीके से हर एक ओर का, हर एक एनिमल्स का या फिर हर एक मॉब का एक अलग टेक्सचर तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा भी है तुम लोगों के ऊपर है। तो अगर तुम लोग भी चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। ये गेम भी तुम्हें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मकड़ी आ चुका है एंड इसका टेक्सचर भाई बहुत ज़्यादा गंदा है एंड ये मेरे को डैमेज भी कर रहा है। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट गेम का नाम है प्लैनेट क्राफ्ट। अब ये जो गेम है, ये गेम बिल्कुल सही है। मुझे इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस या फिर जो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखी, बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा कि इस गेम के अंदर बग्स है गाइस। इसके अंदर ना वर्ल्ड जनरेट ही नहीं हो रहे थे। हम लोग शायद 2 या 3 चंक के ऊपर खड़े थे एंड उसके आगे वर्ल्ड जनरेट ही नहीं हो रहा था। आई डोंट नो ये क्या था, कुछ बग या फिर कुछ ग्लिच वगैरह, बट ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगा। तो ये तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करता। मैंने डाउनलोड कर लिया था तो मुझे बताना था तो मैंने बस बता दिया। तो तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो, मत भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, बट जो था मैंने बता दिया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। ये जो गेम है, इस गेम का नाम है मल्टी क्राफ्ट। एंड ये गेम माइनक्राफ्ट गेम बिल्कुल सेम है, मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। वही यार टेक्सचर पैक में थोड़ा सा चेंज है, बट ये जो गेम है ना, ये कुछ ज़्यादा मतलब दूर डिस्टेंस तक जो कि रेंडर करता है, जिससे कि ना गेम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है देखने में। अगर कम चीज़ें रेंडर होगी तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट इसके अंदर ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह रेंडर होती है एंड ऊपर से गेम लैग भी नहीं होता, तो वो थोड़ा सा अच्छा है। तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मुझे ये गेम सच में बहुत बढ़िया लगा। इसके अंदर हर एक एनिमल्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि तुम्हें देख सकते हो यहाँ पे जंगल देखो यार, कितना घना जंगल है। तो यस, इसको भी जरूर से ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके अंदर तुम्हें हर एक चीज़ें देखने को मिलता है जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर है। ऑब्वियसली टेक्सचर पैक अलग होंगे एंड कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी तुम्हें देखने को मिलेगा जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं है। तो यस, इसको भी जरूर से ट्राई कर सकते हो। ये गेम भी तुम्हें प्ले स्टोर पर बहुत आराम से मिल जाएगा एंड इसका साइज़ भी ज़्यादा नहीं है। वेल गाइज, यही था इस वीडियो में। आई नो मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी से बोला था कि मैं आप सभी को 10 गेम के बारे में बताऊंगा एंड शायद मैंने 10 गेम को रिकॉर्ड भी करा है, बट मुझे ना एडिटिंग के टाइम पे सिर्फ 8 ही मिले, पता नहीं क्यों, बाकी तो कहाँ गए। तो कोई बात नहीं, मैं अभी 8 को ही अपलोड कर देता हूँ। बट तुम्हें अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो।
अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा एंड उसके अंदर मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट के और भी ऑल्टरनेटिव बताऊंगा जिसको कि तुम डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। तो अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियोज और देखने के लिए। एंड ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद बना रहा हूं, लिटरली बहुत ज़्यादा गैप हो गया चैनल में, बट उसको रिकवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो यस बढ़ते हैं फिर, मतलब चलते हैं, तो बाय बाय।